हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं तो कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य ऊर्जा और शक्ति। और मैं आपको जो है आज सिलेबस भेजूंगा, उसमें से आप देख लेना कि ये चैप्टर जो है इसके कुछ टॉपिक जो है हटा दिए हैं। ठीक है, और कार्य जो है वो टॉपिक दे रहे हैं। तो कार्य अगर पढ़ने वाले हैं तो कार्य जो है हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारे क्या था कि अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, यानी थीटा बराबर जीरो, ये अपन ने पढ़ा था। एक अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल किसी वस्तु पर ये समतल धरातल है, उस पर अगर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, इस पे अगर अपन बल जो है विपरीत दिशा में लगाएं और विस्थापन जो है वो कहां हो रहा है बेटा, विपरीत दिशा में हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो है थीटा कोण बन रहा है कितना, 180 डिग्री का। ठीक है, इस स्थिति के लिए मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला आपके पास क्या था, W बराबर FS cos थीटा। ये ना सभी में देखो आपको ये अप्लाई करना है, जितने भी मैं केस बताऊं उनमें सबको आपको जो है ये वाला आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो FS cos थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह अपन क्या लेंगे बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बन रहा है, 180 का कोण बन रहा है। और आपको ये चीज पता होगी मेरे में कि cos 180 डिग्री जो है वो होता है -1। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये बन जाएगा fs और cos 180 की जगह अपन क्या रख देंगे, -1। तो ये बन जाएगा -f/s। यानी इस स्थिति में अगर ऐसा हो कि यदि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो वहां पे जो किया गया कार्य है वो बेटा क्या होता है, माइनस में होता है। ये अपन पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था, रिवाइज किया है फिर से एक बार कि अगर बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य माइनस में होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला एक इसका एग्जांपल आप याद रखना, कब होता है, जब चलती हुई कार में, चलती हुई कार में ब्रेक लगाए जाए, क्या लगाए जाए, ब्रेक लगाए जाए। तो भैया कार जो है वो चल रही है और उसमें अपन ब्रेक लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं एकदम से रुक जाएगी, क्या होगा, चलती हुई कार जो है वो क्या होगी, थोड़ी दूर जाके रुकेगी। मतलब अपन ने बल लगाया उसमें, ब्रेक जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। यानी कार है तो ब्रेक क्या कर रहे हैं, उसको एक विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो वहीं पे रुक जाएगी, वो थोड़ी दूर चलेगी। यानी विस्थापन और बल दोनों विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, माइनस होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली चीज नेक्स्ट केस है, ये बड़ा ही दूसरा केस था। पहला आपने पढ़ा था कि अगर एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा जीरो होता है, वहां पे तो आपको कार्य जो है वो जीरो हो जाएगा, सॉरी थीटा जीरो था तो वहां पे एफ एस था, ये अपने किया था। ठीक है, अब एक चीज इसमें केस दे रखा है कि गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य, तीसरा केस, केस नंबर थर्ड, गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य तो इस प्रकार, यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी से, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर किया गया कार्य। तो अगर कोई वस्तु जो है, एक वस्तु है वो क्या हो रही है कि ये धरातल है, यहां इस पे जो है नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, ये मान लिया ऊंचाई कितनी है, h है, इसका द्रव्यमान है m, और ये नीचे की तरफ गिर रही है, किस फॉर्म में, मतलब किसकी वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो यहां पे किया गया कार्य क्या होगा, आपको याद रखना है कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि वस्तु, कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उस पर एक बल लगता है, कौन सा, एफ बराबर एम जी। ठीक है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, एफ बराबर एम जी, ये वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी, किस बल से, कौन सा बल लगेगा उस वस्तु पे, एफ बराबर एम जी। ठीक है, ये बल उस पर लगेगा। अब क्या क्या कार्य क्या होगा, कार्य आपको पता है कि बल गुणा क्या होता है, विस्थापन, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, इस केस के लिए बता रहा हूं, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तो इस केस में आपको क्या जो है कार्य क्या होगा वो अपन पता करते हैं। तो इस
इसका द्रव्यमान m था, वस्तु का नीचे की तरफ गिर रही है, ऊंचाई मान लिया h ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है, जैसे मैं चौक गिरा हूं नीचे की तरफ, तो इसका बल, इसका द्रव्यमान है m, उसकी वजह से उसमें जो है बल लगता है नीचे की तरफ, वो होता है f बराबर mg, ये आपको याद रखना है, ठीक है। f बराबर mg कैसे आया, वस्तु का द्रव्यमान गुणा किसकी वजह से नीचे गिर रही है, गुरुत्वीय त्वरण के, मतलब उसमें वेग क्या है, वो मतलब सॉरी त्वरण क्या है, तो आपको उसका नीचे की तरफ गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे की तरफ गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो कार्य W बराबर यहाँ पे बेटा हो जाएगा, बल क्या है यहाँ पे अपन ने लिखा F गुणा S होता है ना, F की जगह आपको क्या लिखना है mg गुणा S की जगह विस्थापन नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, ये ऊंचाई लिखनी पड़ेगी। भाई विस्थापन तो अपन कब बोलते हैं, मैंने आपको 9th में बताया था कि धरातल पर अगर कोई कोई चीज गति करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। लेकिन जब ऊंचाई से गिर रही है तो अपन वहां पे विस्थापन ना लेकर क्या लेंगे, ऊंचाई, mg, और यहां पे क्या लेंगे बेटा h, ठीक है। तो ये w बराबर क्या हो जाएगा mg h, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु जो है अगर h ऊंचाई से नीचे गिर रही है तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा, mg h, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना बच्चा इसको, ठीक है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, इस एक केस के लिए दे रखा है कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा 90 डिग्री पर हो, यदि बल व विस्थापन, बल व विस्थापन 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, तो देखो ऐसा जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, इस पे बल लग रहा है 90 डिग्री पे, यू एफ पर ये लग रहा था एफ पर, ठीक है, और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच, एफ और एस के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वही डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा लगाना है, ठीक है, एफ गुणा एस और कोस थीटा का मान क्या बेटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 रख दो, और कोस 90 का मान क्या होता है बेटा 0 होता है, कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, क्या होता है 0, तो ये बेटा पूरे पूरे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 0। अब ये मैंने ये तो एक इमेजिनेशन से बताई है, लेकिन एक्चुअल में जैसे कि कोई वस्तु है, ऐसा होता है कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, और इसको अपन क्या कर दें, इसको हटा देना, अभी तो समझ नहीं लेगा कि 90 डिग्री का कोण बने तो इस तरीके से, ठीक है, ये आपको करना है कि 90 डिग्री नोट्स में जो है आपको इतना करना है। अच्छा एक चीज बता दें, मैं भूल रहा था कि आपको क्या करना है, इस चैप्टर के नोट्स जो यहाँ से मैं लिखवा रहा हूँ वही कर लें, मैं आपको भेजने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिजिक्स है यहाँ पे जितना मैंने लिखवा रहा हूँ वही इसमें होगा, ठीक है, तो ये आप लोग को लिख लेना। नेक्स्ट है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं इसको कि एक वस्तु है उसको अपन खींच रहे हैं धरातल में इस दिशा में, ठीक है, क्या कर रहे हैं इस दिशा में खींच रहे हैं, ठीक है, ये खींच रहे हैं, जब वस्तु को समतल धरातल पर ए से बी बिंदु तक खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल mg द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि थीटा बराबर, यानी इस केस में क्या होता है कि एक बल होता है इस पे mg नीचे की तरफ, इस वस्तु के भार के कारण ही जो है नीचे की तरफ बल लगता है इसका mg, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा mg, और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, मतलब खींच तो अपन इसको इधर रहे, लेकिन इसका जो है कार्य बल जो है इस दिशा में लग रहा है, जो इसका गुरुत्वीय बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है इनके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे अपन समझ सकते हैं एग्जांपल। इस स्थिति में वस्तु के विस्थापन के लिए घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, सही है, मतलब घर्षण बल उसको रोकने की कोशिश करेगा और अपने को इसको खींचना है तो अपन घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो इतना चीज आपको समझना चाहिए कि 90 डिग्री पे जो है कार्य क्या होगा, जीरो, ठीक है बेटा।
एक होता है टेस्ट में कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है, वृत्ताकार गति करती है, ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट पे है वस्तु, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई वस्तु है और वो गति कर रही है इस तरीके से, तो उसका वेग जो है ना वृत्ताकार घूमनीय, तो बल जो है अभिकेंद्रीय बल, आपको पता है कि अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, अंदर की तरफ एफ बल, ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल एफ, और ये वस्तु गति कहाँ करेगी, वेग इस तरह इस दिशा में होगा बी, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु वर्तुल गति करती है तो अभिकेंद्रीय बल और इसका जो है विस्थापन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंबवत होते हैं, अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता, मतलब यहाँ पे कार्य जो है वो क्या होगा, जीरो, यहाँ पे कार्य क्या होगा, जीरो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्य जीरो हो जाएगा क्योंकि वेग जो है इस दिशा में हो रहा है और बल इस दिशा में है, दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्य जीरो होगा। एक ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट पे ये वस्तु अपनी दिशा चेंज करेगी, हर पॉइंट पे ये वस्तु जो है अपनी दिशा चेंज करेगी, जिसके कारण भी जो है इसका कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। अगले जो है वीडियो में अपन करेंगे इसके मात्रक और इसके कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।